अमेजिंग हेल्थ एंड सेक्स टिप्स में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको नारियल खाने के फायदे और नारियल के गुणकारी उपयोग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, नारियल खाने के क्या फायदे हैं और नारियल के क्या गुणकारी उपयोग है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, नारियल एक लाभकारी फल है जिसको श्री फल भी कहा जाता है। वैसे तो नारियल का उपयोग कच्चा भी किया जाता है और सूखे मेवे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नारियल का पानी भी लोग पीना पसंद करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकारी है। नारियल के नियमित सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मुहासे और चेहरे के दाग गायब हो जाते हैं। इसके सेवन से सिर दर्द भी चला जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको नारियल खाने के फायदे और गुणकारी उपयोग के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला सुबह नियमित रूप से 50 ग्राम नारियल की गिरी खाए तो इससे गर्भवती महिला का स्वास्थ्य ठीक रहता है और गर्भवती महिला को इस अवस्था में होने वाली उल्टी की समस्या से भी राहत मिलती है। इसके अलावा 25 ग्राम नारियल की गिरी और 25 ग्राम मिश्री को मिलाकर खाने से प्रसव में दर्द नहीं होता है, प्रसव बिना दर्द के होता है। डिहाइड्रेशन। दोस्तों, डिहाइड्रेशन होने पर रोगी को कच्चे नारियल के पानी में स्वादानुसार नींबू निचोड़ कर बार बार पिलाएं, इससे डिहाइड्रेशन की समस्या में राहत मिलती है। नकसीर। अगर किसी को नकसीर हो जाए तो नाक से रक्त का बहाव रोकने के लिए खाली पेट नियमित रूप से कच्चे नारियल का पानी पिलाएं, इससे रक्त का बहाव रुक जाता है। स्मरण शक्ति। दोस्तों, अगर आप अपना स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो नारियल के गिरे में बादाम, सौंफ और मिश्र मिलाकर सेवन कीजिए। यह सेवन करने से स्मरण शक्ति मजबूत होती है। चेहरे के दाग। अगर आपके चेहरे पर दाग हों तो दाग के निशान को दूर करने के लिए नारियल के पानी में खीरे का रस मिलाकर सुबह शाम नियमित रूप से लगाएं, इससे चेहरे के दाग मिट जाते हैं। मुहासे। नारियल के तेल में नींबू का रस अथवा ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाने से मुहासे गायब हो जाते हैं। बालों की रूसी। दोस्तों, बालों में अगर आपको रूसी सता रहा है तो नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं और रूसी से छुटकारा पाएं। खुजली। दोस्तों, अगर आपको खुजली या खुश्की है तो नारियल के तेल में 2 बूंद नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से खुजली या खुश्की में राहत मिलती है और खुजली समाप्त हो जाता है। दोस्तों, खांसी और दमा के रोगी को नारियल नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब नारियल के फायदे और नारियल के गुणकारी उपयोग हैं। अगर आप नारियल का कंटिन्यू सेवन करते हैं तो बहुत से रोग से आप छुटकारा पा जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी यह वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।